देखो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझो कि ये क्या कह रहे हैं और ये कैसा क्वेश्चन है, तो आप बहुत अच्छा से इसको कर सकते हो। कहता है स्पेसशिप अप्रोच द मून। मेरे भाई स्पेसशिप कहाँ था? वो इन्फिनिटी पे था, बताया नहीं फिर भी मानूंगा। तो वो इन्फिनिटी पे था, अप्रोच द पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ पे स्पेसशिप आ रहा है। चलो आ रहा है तो अर्थ के लोग इसको बड़े आराम से देखेंगे, और ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी उतनी है नहीं। तो चलो इन्फिनिटी से आया था, इन्फिनिटी को मैं पॉइंट ए मान लेता हूँ, और ये बी पॉइंट पर आया था, और ये जो पाथ है वो पैराबोलिक पाथ है मेरे प्यारे बच्चों, पैराबोलिक पाथ है। तो बहुत मज़ा आ रहा होगा मेरी बातें सुन के। अब अचानक से क्या हुआ, इस पैराबोलिक पाथ को मुझे इस मून, ये जो कोपचे में है, तो इसको मैं मून मानता हूँ। तो ये मून है, तो कुछ ऐसा करना है कि ये जो सेटेलाइट है जस्ट बी केम वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द मून, इट बी केम सेटेलाइट ऑफ द मून। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी थी बी वो कुछ और थी, और अगर ये मून का सेटेलाइट बन गया, ऑर्बिट बन गया, तो इसकी जो वेलोसिटी थी वो कुछ और हो गई। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द, इसकी सेटेलाइट कुछ और हो गई, दिस इज वेलोसिटी टू। और वो जब मून का सेटेलाइट बन चुका है जो स्पेसशिप आ रहा था, ठीक है, एट द मोमेंट अप्रोच द ब्रेकर फायर द रॉकेट फॉर साइन फाइंड द स्पेसशिप ट्रांसमिट सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द मून, द स्पेसशिप वॉज ट्रांसफर्ड इन टू द सर्कुलर ऑर्बिट। तो फाइंड द मॉडुलस मॉडुलस ऑफ द इंक्रीज इन वेलोसिटी। सबसे पहले वेलोसिटी कितनी बढ़ी होगी, इंक्रीज इन वेलोसिटी, लॉजिक क्या है मेरे भाई? तो लॉजिक क्या है, इंक्रीज इन वेलोसिटी, डेल्टा भी निकालना है। तो इंक्रीज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी इन सर्कुलर ऑर्बिट माइनस वेलोसिटी ऑफ द पैराबोलिक ऑर्बिट बी। तो ये तो हमें जो वेलोसिटी है बी टू, जो सर्कुलर ऑर्बिट की वेलोसिटी है, सर्कुलर ऑर्बिट बोले तो ये सेटेलाइट बन चुका है, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है जी, मास ऑफ द मून और रेडियस ऑफ द मून, ये सब कुछ अंडर रूट। लेकिन वी भी क्या है, वी भी एक अननोन वेरिएबल है मेरे भाई। तो वी भी अननोन है, तो मैकेनिकल एनर्जी किस दिन काम आएगा? तो मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट बी। तो ए और बी पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा देते हैं। तो ए पॉइंट पर इन्फिनिटी था, तो काइनेटिक गया जीरो, पोटेंशियल गया जीरो, और यहाँ पर जो मैकेनिकल एनर्जी है बी पॉइंट पर, तो बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वेलोसिटी एट द पॉइंट बी बी का स्क्वायर, और प्लस और माइनस जी एम, और ये आर, और ये सेटेलाइट का मास। तो यहाँ से जो वेलोसिटी एट द पॉइंट बी अगर देखोगे तो यह आ जाएगा जी मास ऑफ द मून, मास ऑफ द सेटेलाइट, रेडियस ऑफ द मून, और ए इक्वल टू हाफ एम वेलोसिटी बी बी का स्क्वायर, तो एम ने एम को, ठीक है, तो जो बी बी की वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी एट द पॉइंट बी, वो टू टाइम्स जी एम और अंडर रूट आ, ये वाली चीज़ अंडर रूट, दिस इज द वेलोसिटी एट द पॉइंट बी। अब ये पूछ रहे हैं कि भाई जो पैराबोलिक पाथ में से सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी चेंज हुई है, तो मॉडुलस ऑफ स्पीड डेल्टा वी मॉड, तो डेल्टा वी मॉड वी टू माइनस वी बी, ठीक है, तो वी टू क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट बन चुका है, जी एम ओवर आर अंडर रूट मॉड, और माइनस टू टाइम्स जी एम ओवर आर अंडर रूट, ठीक है, सबका मॉड लगा दो, मैग्नीट्यूड ले लेना, ज़्यादा परेशान नहीं होना। तो जी एम ओवर आर अंडर रूट, और ब्रैकेट में बचेगा वन माइनस रूट टू, तो वन माइनस रूट टू ये वाला चीज़। तो बेसिकली अगर बात करोगे तो फाइनली जी एम की वैल्यू तुम पढ़े होगे, मून के सरफेस पे जी इज इक्वल टू जी मास ऑफ द मून रेडियस ऑफ द मून का स्क्वायर। तो यहाँ से जी एम की वैल्यू जी आर स्क्वायर इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ से जी आर स्क्वायर और ये आर, ये सब कुछ अंडर रूट,
और ये 1 माइनस रूट 2, तो यहाँ से आर ने आर को ख़त्म कर दिया, तो ये आ जाएगा √2 जी आर अंडर रूट। अरे मेरे प्यारे बेटा, अरे मेरे ला, यहाँ से √2 जी आर कोपचे में, और कोपचे में ले लो 1/√2 मॉड। दिस इज़ बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी। आई होप कि आपको बहुत ही मज़ा आया होगा, और आपको लगता है कि मुझे ऐसे ही वीडियो ऑफलाइन बनाना चाहिए, कैमरा पे आके बनाना चाहिए, तो यार आपके प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। फिजिक्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जस्ट इंजॉय इट, डोंट स्टडी इट, इंजॉय इट।